दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दुर्गा छत्री ब्लॉग में आप सभी को स्वागत करती हूँ। सो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो आप लोग को मैं फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा। और आज मैं क्या क्या करती हूँ मैं पूरा वीडियो में दिखाती जाऊँगी, आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ गोरखा ट्रेडिशनल सेल रोटी। और उसके लिए मैंने चावल को कल ही पीस कर मैश करके रखा हुआ था और ये अच्छी तरह से भीग चुका है। और भीगने के बाद रोटी अच्छी बनती है दोस्तों। मैंने पूरा एक रात भिगा के रखा हुआ था। और इसमें मैंने ऐड कर लिया सूजी, थोड़ा सा आटा और घी और शक्कर, उससे रोटी अच्छी बनती है। घी डालने के बाद रोटी बहुत अच्छी बनती है दोस्तों। और बटर इस तरह से होना चाहिए, इससे भी पतला नहीं और इससे भी गाढ़ा नहीं, तभी रोटी अच्छी बनती है। और आज मैं आप लोगों को पूरा वीडियो में दिखाती जाऊंगी मैं सेल रोटी कैसे बनाती हूँ। और पहले मैं इसे दो हिस्से में डिवाइड कर लूँगी दोस्तों, ताकि मुझे रोटी बनाने में आसान हो। दोस्तों, ये देख सकते हैं तेल गर्म हो चुका है और बीच में देख रहे हैं मैंने एक दिया भी डाला है, ताकि रोटी बनाते समय जो बीच का होल्ड होता है वो बने रहे और रोटी अच्छी तरह से बन सके। और ये देख सकते हैं रोटी कितनी अच्छी तरह से फूल रही है दोस्तों, और बहुत अच्छी रोटी बनी है। पूरा वीडियो में आप लोगों को दिखाती जाऊँगी, आप लोग देखते रहिए। दोस्तों, ये देख सकते हैं सेल रोटी बनकर रेडी हो चुका है। और आज मैंने ढेर सारा सेल रोटी बनाई थी और सेल रोटी बहुत अच्छी तरह से बनी है दोस्तों। अभी मैं बनाऊंगी तिल मटर की अचार और पूरा प्रोसेस आप लोगों को पूरा वीडियो में दिखाती जाऊंगी, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों, अभी मैं बनाऊंगी तिल मटर की अचार और उसके लिए मैंने एक अटरे को छोटा छोटा करके काट लिया। और इधर देख सकते हैं आलू को मैंने आधा बॉयल करके फ्राई भी कर ली, थोड़ी सी ब्राउन कलर करके मैंने आलू को निकाल लिया। और उधर देख सकते हैं तिल को मैंने ग्राइंड करके रख लिया है और अदरक भी कूट ली। और साइड में देख सकते हैं खट्टा भी थोड़ा सा ले लिया और वो मिर्च को मैंने काट के रखा हुआ है। दोस्तों, मैंने मिर्च ज़्यादा ही ले लिया, अचार में तीखापन ज़्यादा हो तो अचार टेस्टी बनता है। आई होप अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, तिल मटर का अचार कैसा बना है। पूरा वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। दोस्तों, अभी देख सकते हैं तेल गरम हो चुका है और मैंने ऐड कर लिया मिर्च। जब तक मिर्च का कच्चापन ना जाए तब तक के लिए मैं भूनूंगी इसे। उसके बाद मैं मटर को ऐड करके थोड़ी देर के लिए फ्राई करूंगी। तो ये देख सकते हैं मटर फ्राई हो चुका है। अभी इसमें मैं ऐड करूंगी अदरक और ये फ्राई करके रखा हुआ आलू। और जो मैंने काट के रखा हुआ था ओटेंगा वो भी मैं ऐड करूँगी। और इसको मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। अभी मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ऐसे पकाऊंगी दोस्तों, उसके बाद मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये देख सकते हैं मटर पूरा अच्छी तरह से पक चुका है। इसमें मैं थोड़ा सा खट्टा ऐड करूंगी, ज़्यादा नहीं करूंगी दोस्तों। ऑलरेडी मैंने इसमें ओटेंगा को भी डाला है। और इसके बाद मैं यहाँ पर तिल ऐड करूँगी। और इसे अच्छी तरह से मिलाऊंगी दोस्तों। पूरा मटर में तिल मिलना चाहिए,
तभी अचार अच्छी बनती है। दोस्तों ये देख सकते हैं तीन मटर की चटनी रेडी हो चुकी है और बहुत अच्छी बनी है, ये देख लीजिए दोस्तों। आप लोग भी इसी तरह से घर में बना सकते हैं। आई होप दोस्तों अगर आप लोग को ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। मिलती हूँ फिर न्यू वीडियो में, बाय दोस्तों।